नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे ममता बनर्जी की तीन इच्छाओं की। ममता बनर्जी की ये तीन इच्छाएं कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती हुई साफ साफ दिख रही है। बीजेपी ने 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती थी और इस बार 35 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बंगाल में बीजेपी को नुकसान रहने वाला है, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गेम शुरू हो गया है, उससे लगता है बीजेपी को बंगाल में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हां, कांग्रेस को जरूर अपने हाथ से बचे खुचे जो बंगाल में वोट है उनको लुटाने का डर कांग्रेस के लिए और पैदा हो गया है, क्योंकि सारा खेल ही सीटों के बंटवारे का और विपक्ष की एकता पर टिका हुआ है और ममता बनर्जी की राजनीतिक चाले इसी एकता को संकट में डालती हुई साफ साफ दिख रही है, खासकर बंगाल में। ममता बनर्जी ने पिछले कुछ समय में इंडिया गठबंधन के आगे अपनी तीन इच्छाएं रखी है और इन तीन इच्छाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को रास्ते से ही हटा देना चाहती है। वो राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को देश की राजनीति की मुख्य धारा से ही बाहर कर देना चाहती है। ममता बनर्जी की जो पहली इच्छा है वह यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव में समूचे विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। ममता के इस प्रस्ताव का समर्थन अरविंद केजरीवाल ने किया और भी 22 नेताओं ने किया। अभी हाल ही में जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी, हालांकि इस प्रस्ताव पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनकार कर दिया। इसके बाद भी ममता का कहना रहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर कोई लाभ नहीं होने वाला है, इसके विपरीत दलित समुदाय से आने वाले खड़गे बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा की 58 सीटें ऐसी है जो सीधे दलित प्रभाव वाली है। ममता की इस बात में दम तो लगता है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद के लिए चेहरा बना दिया जाता है तो राहुल गांधी की कांग्रेस में क्या हैसियत रह जाएगी। मौजूदा समय में इंडिया गठबंधन में किसी भी पार्टी से किसी भी नेता को पीएम उम्मीदवार के लिए चेहरा बनाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस दल से भी चेहरा बनेगा अन्य दलों के लिए चिंता पैदा हो जाएगी। जो गठबंधन होगा उसमें दिक्कत हो सकती है, वो एक चेहरे पर दूसरे राज्य में जाकर या दूसरी पार्टी के लिए वोट इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। पीएम का चुनाव तो बाद में होना चाहिए अगर इंडिया गठबंधन के पास इस लायक सीटें आ जाती है तो। इस तरीके से ममता की पहली इच्छा राहुल गांधी की राजनीति के लिए चिंता पैदा करती हुई साफ साफ दिख रही है, कांग्रेस के लिए भी चिंता पैदा करती हुई साफ साफ दिख रही है, और इस इच्छा को अरविंद केजरीवाल समर्थन कर रहे हैं। यानी दोनों मिलकर कांग्रेस को निपटा देना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में राजनीतिक लड़ाई केवल बीजेपी और उनके बीच में ही रह सके। कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए एक बड़ा चिंता का कारण है, क्योंकि वोट तो सीमित है। वो कांग्रेस के पास आते हैं तो टीएमसी और आम आदमी पार्टी चिंता में पड़ जाएगी, और अगर आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं तो कांग्रेस चिंता में पड़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी का तो अपना एक बड़ा वोट बैंक अलग से बन चुका है। ममता बनर्जी की दूसरी इच्छा पर आते हैं, और ममता बनर्जी की दूसरी इच्छा यह है कि कांग्रेस बंगाल में केवल दो सीटों पर ही, लोकसभा की दो सीटों पर ही संतोष कर ले। वो कहती है कि बंगाल में उनकी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कांग्रेस को केवल दो सीटें ऑफर की है। इस पर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बंगाल में केवल दो ही सीटें जीती थी, इसलिए टीएमसी का कहना है कि दो ही सीटें ले लो। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से टीएमसी ने 22 सीटें जीती और 43.7% वोट हासिल किया। बीजेपी ने 18 सीटें जीती और 40.6% वोट हासिल किया। कांग्रेस ने दो सीटें जीती और 5.7% वोट हासिल किया। इस तरीके से दो सीटें टीएमसी दे रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि दो ही सीटें कांग्रेस ने पिछले चुनाव में बंगाल में जीती थी। आप खुद ही सोचिए, अगर दो सीटों पर बंगाल में कांग्रेस लड़ेगी तो बाकी सारी सीटों पर टीएमसी लड़ेगी, और कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसकी मजबूरी होगी टीएमसी के पक्ष में मतदान करना। यानी कांग्रेस बंगाल में जो रही सही बची हुई है वो भी निपट जाएगी।
ममता बनर्जी के तीसरे सुझाव पर आते हैं, उनकी तीसरी इच्छा पर आते हैं। ममता का तीसरा सुझाव यह है कि प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। वैसे तो 2019 में भी प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की काफी चर्चा हुई थी, लेकिन यह केवल चर्चाओं तक ही सीमित रह गई थी। अब जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी के आगे प्रियंका हार ही जानी है। इस तरीके से ममता चाहती है कि प्रियंका गांधी मुख्यधारा की राजनीति से हट जाए, क्योंकि अगर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती है तो प्रियंका इसी सीट पर उलझकर रह जाएगी। वो किसी दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के भी दूसरे हिस्सों में जाना मुश्किल हो जाएगा। यह तो एक सीधी सी बात है। और फिर जब वाराणसी के पास ही अमेठी और रायबरेली सीट है कांग्रेस के लिए, तो फिर प्रियंका वाराणसी से क्यों चुनाव लड़े? अगर इस बार सोनिया गांधी मान लीजिए चुनाव लड़ती भी नहीं है, तो इनमें से किसी सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। ममता ने यह सुझाव भी पिछले महीने दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में दिया। इस तरीके से साफ सी बात है, ममता और केजरीवाल मिलकर कांग्रेस को ही निपटा देना चाहते हैं। अगर ममता की इच्छाओं को देखे और समझे तो आप खुद ही सोचिए, ऐसे में इंडिया गठबंधन कैसे बीजेपी से जीत सकता है, जब इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं में ही इस तरह की आपस में राजनीति गेम शुरू हो गए हैं। जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो यह निर्णय लिया गया था कि 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे पर फैसला ले लिया जाएगा। आज 4 जनवरी हो गई है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला अभी तक हुआ नहीं है, कोई फार्मूला भी अभी तक बना नहीं है। यह इंडिया गठबंधन का हाल है, जबकि दूसरी ओर बीजेपी पूरी तैयारी से जोर शोर से जुट गई है। 22 जनवरी के बाद बीजेपी पूरी तरीके से एक एक सीट को लेकर काम शुरू कर देने वाली है। भीतर खाने तो काम शुरू हो ही चुका है। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए, बीजेपी लोकसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव की तैयारी में उतर रही है, जुटी हुई है। और बार बार बीजेपी के जो बड़े नेता है उनकी ओर से एक नारा दिया जाता है, 400 पार का नारा, जबकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक सीटों को लेकर कोई भी टारगेट तय नहीं किया गया है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। अभी यह भी साफ नहीं है कि कांग्रेस अकेले कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सहयोगी दलों के हिस्से में कितनी सीटें कांग्रेस छोड़ेगी। ये कुछ बातें हैं जो बताती है कि विपक्ष अभी रणनीतिक तौर पर बीजेपी के आगे कहीं खड़ा हुआ दिख नहीं रहा है, वह बड़ा पीछे दिख रहा हुआ है दिख रहा है, जबकि चुनाव बस 3-4 माह की दूरी पर ही रह गए हैं। इसीलिए यह तस्वीर जो अभी तक बन रही है, यह तस्वीर बीजेपी के लिए अच्छी और इंडिया गठबंधन के लिए तो बहुत अच्छी बनती हुई दिखती नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।